हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषिका और सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ मंदिर की तरफ। यस, बहुत टाइम से मतलब इतने भगवान वाले सपने आ रहे थे कि मैंने सोचा ठीक है, आज संडे है, कहाँ ही जाएंगे, तो मंदिर जाना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ सरोना वाले मंदिर, और मंदिर का कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ है, कैसा है, बस मैप के सहारे जा रहे हैं। तो ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर दिखाते हैं कैसा है वहाँ का मंदिर। फाइनली हम पहुँच गए हैं, मतलब मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा पास था ये मंदिर, और दिखाती हूँ मैं व्यू। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू है मंदिर का, और बहुत ही प्यारा है। और ये मंदिर सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत सारी मछली और कछुए रहते हैं। मैं तो आटा लाना ही भूल गई हड़बड़ी में, बट आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहे तो ये बहुत सारी मछली है। तो ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ठीक ही है, मैं नहीं लाई तो। बाकी देख सकते हैं आप इतनी सारी मछलियाँ और कछुए भी। तो ये रहा मंदिर जो बहुत ही प्यारा है। आज मुझे पूछना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग मंदिर से आ गए, और हम जा रहे हैं अभी दूसरे मंदिर, महामाया मंदिर, क्योंकि मैं पहले भी बताई कि मेरे को बहुत सपने आ रहे हैं और मेरे को उस मंदिर का भी आ रहा है। तो सोची कि इतने पाप कर रखी हूँ, शायद इस वजह से आता होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा पुण्य कमाने, और सरोना वाला मंदिर के बाद मैं जा रही हूँ महामाया मंदिर। तो वहाँ पहुँच के फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी दर्शन हो गए, और इतना खाली जगह है ना, और नवरात्र के टाइम इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। अभी एक सुकून की आ गई हूँ, तो थोड़ी फ्री की धूप भी खा लूँ, अच्छा लग रहा है। अब सच में मंदिर आके सुकून मिलता है। संडे हो और पोहे छोले ना खाए ऐसा हो नहीं सकता, तो आज का दिन पोहे छोले के नाम कर दिया हमने। सीजन मैंने खाया है अमरूद, और मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। मतलब दोपहर को मैं मम्मी के घर गई थी, बट अब शाम होने को है, तो अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। पूरा संडे ऐसे ही चला गया मेरा। फाइनली दिन तो कट गया, लेकिन हमेशा औरतों को लड़कियों को टेंशन रहता है कि अब रात को क्या बनाए, सुबह क्या बनाए। तो वैसे मैं सोच रही थी कि रात का डिनर क्या होगा, तो फिर इनको चिकन राइस खाना था। तो चिकन राइस इनको वहाँ की पसंद होती जो मोती बाग के पास लगती थी, चौपाटी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने हटवा दिया। तो वो भैया जो चिकन राइस वहाँ पे बेचते थे 786 के नाम से, वो अब संतोषी नगर पर अपनी शॉप डाल दी, तो वहाँ पे आए हैं और मेरे लिए वेज पैक करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। तो इनके लिए नॉनवेज और मेरे लिए वेज पैक करवा के फिर हम यहाँ से रिटर्न घर जाएंगे। रास्ते में रावण भाटा में मेला भी लगा है, सोच रही हूँ कि होते हुए जाऊँ, देखते हैं क्या सीन है उसका। तो यही वो शॉप, और जो भी सोच रहा है मोतीबाग चौपाटी में जो भी खाता था, जिनको भी आदत थी, वो संतोषी नगर होटल सुकून के बाजू में ये शॉप है, यहाँ पे आके एक बार विजिट कर सकते हैं। सो फाइनली डिनर हो चुका है मेरा, और थोड़ी बिजी हो गई थी शाम को भी, क्योंकि कल शूट है मूवी का, और उसके लिए मुझे आर्टिस्ट अरेंजमेंट करना था, तो वो भी चल रहा है। तो देखते हैं कल के ब्लॉग में, फिर मिलते हैं जैसा भी हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।